11 दिन सिर्फ एक चम्मच घी में भूनकर खा लो। 100 साल तक शुगर रोग, कोलेस्ट्रॉल, पेट के रोग, मोटापा, हड्डियों की कमजोरी, जोड़ों का दर्द, खून की कमी और ये दिल से जुड़ी बीमारियां आपको कभी नहीं होंगी। नमस्कार दोस्तों। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी चमत्कारी चीज के एक ऐसे चमत्कारी नुस्खे को बनाकर दिखाएंगे। दोस्तों यदि आप इसके एक चम्मच को हर रोज घी में भूनकर सेवन कर लेते हैं उसका तरीका भी हम आपको बताएंगे, यानी आपको ये नुस्खा बनाकर दिखाएंगे। दोस्तों यदि आप इस तरह से इस नुस्खे का प्रयोग कर लेते हैं तो दोस्तों आपके शरीर की हर तरह की बीमारी का इलाज हो जाएगा। दोस्तों आपके शरीर की इम्यून पावर, रोगों से लड़ने की शक्ति बहुत अधिक बढ़ जाएगी, जिससे आप दोस्तों बहुत तरह की बीमारियों से बचे रहेंगे, यानी बहुत तरह की बीमारियां आपके शरीर के आसपास भी नहीं आएंगी। दोस्तों ये नुस्खा खून की कमी का इलाज है। आपके शरीर में खून बनाने की मशीन लगा देगा, यानी आपके शरीर के खून की कमी का बिल्कुल जड़ से इलाज कर देगा। और न सिर्फ खून की कमी का इलाज करेगा बल्कि आपके खून को पतला करेगा, खून के गाढ़े होने की समस्या का इलाज करेगा, खून की गंदगी को साफ करेगा, यानी आपके शरीर की खून की कमी और खून से जुड़ी बीमारियों को दूर रखेगा, जिससे इस खून की कमी, इस खून की गंदगी और खून के गाढ़ा होने के कारण भी दोस्तों आपको बहुत सारी बीमारियों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों यदि आपको बुरे कोलेस्ट्रॉल की समस्या है और आपके शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल बहुत अधिक बढ़ा हुआ है और आप अपनी इस बैड कोलेस्ट्रॉल की समस्या का इलाज करना चाहते हैं, तब भी दोस्तों ये नुस्खा आपके लिए बड़े काम का है, क्योंकि ये नुस्खा आपके कोलेस्ट्रॉल की समस्या का इलाज करेगा। और जब आपको कोलेस्ट्रॉल की कोई समस्या नहीं होगी दोस्तों, तब आपको नसों की ब्लॉकेज, हार्ट ब्लॉकेज का भी सामना नहीं करना पड़ेगा और ना ही आपको कभी हार्ट अटैक आएगा, यानी कि आपको दिल की बीमारियों से भी ये नुस्खा बचा कर रखेगा। और आपने इसको 5 मिनट में घर पर ही तैयार करना है। दोस्तों यदि आपको डायबिटीज की बीमारी है और आप अपने शुगर लेवल को कंट्रोल में रखना चाहते हैं और इस डायबिटीज की बीमारी के जो भी कॉम्प्लिकेशन है उन सब से भी बचे रहना चाहते हैं दोस्तों, तब भी ये नुस्खा बड़े काम का है और आपकी इस समस्या का बिल्कुल जड़ से इलाज करता है, आपको इन कॉम्प्लिकेशन से भी बचा कर रखता है। दोस्तों क्या आपकी आंखों की रोशनी कमजोर है और आपकी आंखों पर चश्मा लगा हुआ है? तो दोस्तों तब भी ये नुस्खा बड़े काम का है और आपकी आंखों की रोशनी को बढ़ाकर आपकी आंखों से सदा सदा के लिए चश्मे को उतार देता है। दोस्तों यदि आपको अनिद्रा की बीमारी है तो तब भी दोस्तों आपको इसका सेवन करना चाहिए, क्योंकि अनिद्रा की बीमारी का ये बिल्कुल जड़ से इलाज है और आपको अनिद्रा की बीमारी से बचाकर आपके शरीर के 150 तरह के रोगों का इलाज कर देते हैं, यानी आपके इस अनिद्रा की बीमारी के जो भी कॉम्प्लिकेशन है उन सब से आपको बचा कर रखता है। दोस्तों यदि आपको मोटापा है, यानी ये मोटापा हमारे शरीर के बहुत सारी बीमारियों का कारण बनता है, तो दोस्तों ये पेट की चर्बी को भी पिघलाने का काम करता है, यानी आपको इसके एक चम्मच को घी में भूनकर खाना है और आपके पेट की चर्बी को खुद पिंगलता हुआ देखिए कि कैसे आपका मोटापा बड़ी तेजी से कम हो रहा है। और दोस्तों यदि आपका शरीर कमजोर है, आप अपने शरीर को ताकतवर और फौलादी बनाना चाहते हैं जिससे कि जो आपका शरीर, यानी कि जो आप खाएं वो आपके शरीर में लगे, तो दोस्तों उसके लिए ये आपके पाचन तंत्र को मजबूत करने का काम करेगा। और जब आपका पाचन तंत्र मजबूत होगा तब आप जो खाएंगे आपके शरीर में लगेगा और आपके शरीर की सारी कमजोरी बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगी, क्योंकि आपका पाचन तंत्र को मजबूत करने का काम करता है और आपको पेट के सभी रोगों से बचा कर रखता है। आपको पेट में गैस, कब्ज या एसिडिटी की समस्या नहीं होती और हमारे शरीर की 72 बीमारियों का कारण बनती है ये गैस, कब्ज और एसिडिटी, यानी आपके शरीर के बहुत सारे रोगों का दोस्तों ये इलाज है और आपके शरीर को बिल्कुल निरोगी बनाने का काम करता है, आपके शरीर को बहुत सारी बीमारियों से बचाने का काम करता है, चाहे हड्डियों की कमजोरी हो, कैल्शियम की कमी हो या फिर जोड़ों का दर्द हो, दोस्तों इनका भी ये रामबाण इलाज है, क्योंकि हमारे जोड़ों या घुटनों जो भी मैक्सिमम दर्द होता है वो हड्डियों की कमजोरी के कारण होता है या जोड़ों में लुब्रिकेंट की समस्या आ जाती है, इसके कारण दर्द होता है और ये आपकी इन सभी समस्याओं का इलाज करता है, आपके शरीर की कैल्शियम की कमी का इलाज करता है, हड्डियों की कमजोरी का इलाज करता है, यानी आपके शरीर को निरोगी बनाने का काम करता है, आपके शरीर की बहुत तरह की बीमारियों से बचाने का काम करता है। और दोस्तों इस वीडियो की जो मुख्य सामग्री है वो है दोस्तों खसखस। अब बात आती है कि खसखस आपको मिलेगी कहां से, तो दोस्तों इस वीडियो में जो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हैं आप वहां से खसखस को बाय कर सकते हैं या अपने नजदीकी करियाना स्टोर से भी आप इसको आसानी से ले सकते हैं। वैसे दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि यदि आप किसी भी बीमारी के लिए दवा लेना चाहते हैं तो इस वीडियो में जो नंबर आप देख रहे हैं उस नंबर पर कॉल करके आप अपने घर पर ही दवा मंगा सकते हैं और बहुत सारी बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं। दोस्तों ये खसखस शरीर के लिए बहुत अधिक चमत्कारी है। इसका इस्तेमाल कब्ज जैसी समस्या से लेकर कैंसर जैसी
जैसी घातक बीमारियों के इलाज के लिए भी किया जाता है। छोटे छोटे बीजों वाला यह खाद्य पदार्थ कैलोरी, प्रोटीन, फैट, फाइबर, कैल्शियम, फास्फोरस और आयरन जैसे पोषक तत्वों से भरा हुआ है। दोस्तों इसका इस्तेमाल आंतरिक स्वास्थ्य से लेकर त्वचा और बालों के लिए भी किया जाता है। दोस्तों यदि आप इस खसखस का सेवन हर रोज करेंगे तो दोस्तों आपके चेहरे पर नया ग्लो आ जाएगा। दोस्तों आप 70 की उम्र में भी 20 के दिखाई देंगे, आपके चेहरे पर वही सुंदरता आपको दिखाई देगी, आपके चेहरे पर झुर्रियां नहीं पड़ेंगी, यानी कि आपकी उम्र बढ़ने की प्रक्रिया रुक जाएगी। अब जानते हैं कि आपने इस खसखस का सेवन करना कैसे है। दोस्तों आपने क्या करना है, खसखस को लेकर हल्की सी धूप दिखा देनी है, धूप में हल्का सा इसको सेक लेना है। उसके बाद आपने एक बर्तन रखना है आग पर जैसे कि हमने रखा। अब इसमें आपने एक चम्मच गाय का घी डालना है जैसे कि ये हमने डाला। अब आपने इसमें एक चम्मच डालनी है खसखस और खसखस को डालकर अच्छी तरह से भून लेना है। अब आपने इसमें डालना है एक गिलास दूध जैसे कि ये हमने डाल दिया। दोस्तों अब आपने इस दूध को तीन उबाल देने हैं जैसे कि ये हमारे तीन उबाल आ गए। अब आपने इसको बिना छाने ही ऐसे ही एक गिलास में डाल लेना है। दोस्तों यदि आप इसको और ताकतवर बनाना चाहें तब आप इसमें बादाम और किशमिश भी मिला सकते हैं, उससे ये और भी ताकतवर और फौलादी बन जाएगा। यानी जो व्यक्ति अपने शरीर की कमजोरी को दूर करना चाहते हैं वो इसमें बादाम और किशमिश मिला लें। और दोस्तों उसके बाद इसे आप सुबह बासी मुंह सेवन करें। और यदि आपको अनिद्रा की बीमारी है तब आप इसको रात को सोते समय सेवन करें। और दोस्तों यदि आप ऐसा करेंगे तब दोस्तों आपको इसके चमत्कारी नतीजे दिखाई देंगे और आपके शरीर की हर तरह की बीमारी का इलाज हो जाएगा, आप बहुत तरह की बीमारियों से बच रहेंगे। दोस्तों बहुत तरह की बीमारियां आपके शरीर के आसपास भी नहीं आएंगी। तो दोस्तों देर किस बात की है, आप भी अपने घर पर आज ही इस नुस्खे को बनाएं और इस नुस्खे का प्रयोग करें और अपने शरीर को बिल्कुल निरोगी बना दें, हर तरह की बीमारी से बचे रहें। तो दोस्तों यह थी हमारी वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कीजिए। इसके साथ में आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइबर बटन के साथ जो बेल का आइकॉन है उसको भी दबा दीजिए ताकि आपको हमारी सभी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आती रहे। धन्यवाद दोस्तों।